हेलो एवरीवन। सो यहाँ पे हम आज भुवनेश्वर में सीसी रसारा सो नेशनल लेवल की फेयर जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गई है एंड यहाँ पे हम आज एग्जीबिशन भी देखेंगे एंड इसके एग्जीबिशन के बारे में डिटेल पता करेंगे, टाइमिंग क्या है और कितने सारे यहाँ पे स्टॉल्स आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से स्टॉल्स आए हुए हैं। तो चलिए लेट्स चेकआउट। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आज यहाँ पे भुवनेश्वर में एग्जीबिशन लगा हुआ है, क्राफ्ट मेला लगा हुआ है, तो जिसका नाम है सीसी रसारा सो। तो ये जो मेला है तो यहाँ पे जैसे कि पूरे हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम सब कुछ यहाँ पे है। तो बस यहीं से ही एंट्रेंस है, तो चलिए मैं आगे आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या, कैसे सारे मतलब उड़ीसा का क्राफ्ट कैसे सब यहाँ पे रखा हुआ है और क्या है। चलिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताती हूँ। तो मैं जैसे कि पीछे देख पा रहे होंगे बहुत सारा शॉप लगा हुआ है, बहुत सारे स्टॉल यहाँ पे है। तो इतना बड़ा, बहुत बड़ा एरिया में होता है। तो जैसे कि पहले ये और एक एग्जीबिशन फील्ड में होता था, लेकिन शायद मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट ये साल से शायद ये और एक जगह पे लगा हुआ है भुवनेश्वर बरमुंडा पे, जो कि बीजू पटनायक प्लेग्राउंड के नाम से ये एग्जीबिशन फील्ड है। तो इसे देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है, चलिए एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स सी। सो यहाँ पे सीसी रसारा सो 2023 जो नेशनल लेवल की फेयर कम एग्जीबिशन है ये स्टार्ट हो गई है। ये ऑर्गेनाइज्ड बाय ओरमास ऑफ द पंचायत राज डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा का है। तो जैसे कि यहाँ पे पास में एयरपोर्ट है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फ्लाइट्स देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो एग्जीबिशन है ये जनवरी 13 से लेके 29 जनवरी तक चलने वाला है। और यहाँ पे जैसे कि आप सबको पता है वर्ल्ड कप हॉकी स्टेट में चल रही है, तो उसके साथ ये एक और एक जैसे कि बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है। तो आगे भुवनेश्वर में आपको बहुत सारे ऐसे इवेंट देखने के लिए मिलेगा एंड में डेफिनेटली आप सबको जितने भी इवेंट हो रहा है वो सब का आपको डिटेल में बताऊंगी क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। तो पहले यहाँ पे आपको बता दूँ, ये जो सीसी रसारा सो एग्जीबिशन हो रही है ये राउरकेला में भी हो रही है, जो राउरकेला में हॉकी वर्ल्ड कप वहाँ पर भी हो रही है। तो यहाँ जनवरी 15 से लेके 27 तक ये राउरकेला में हो रही है। तो यहाँ पे जितने भी भुवनेश्वर में जितने स्टॉल लगा हुआ है, ये जो बरमुंडा प्लेग्राउंड एरिया है यहाँ पे 350 स्टॉल्स यहाँ पे आए हुए हैं। और बाकी जैसे कि यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम प्रोडक्ट साथ में सेल करने के लिए है। और यहाँ पे SHG ग्रुप्स भी बहुत सारे यहाँ पे अभी मतलब है। और कल्चरल शोज यहाँ पे भी एवरी इवनिंग को चलता रहता है, जैसे कि रिनाउंड सिंगर ऋतुराज महंती और भी बहुत सारे सिंगर्स है, डांसर है, और मतलब ऐसे ही बहुत कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे ऑडियंस भी बहुत अच्छा मतलब रेस्पॉन्स दे रहे हैं। और यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है फिजिकल चैलेंज्ड पर्सन के लिए, जो कि मतलब ये एग्जीबिशन को अच्छे से देख पाएंगे, जैसे कि वॉलंटियर्स भी यहाँ पे मतलब हैं। बाकी जितने भी बैटरी ऑपरेटेड कार भी यहाँ पे है, व्हील चेयर्स है, बहुत कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट करके है, जैसे कि वो अच्छे से फेयर को एंजॉय कर पाएंगे। और बाकी रहा फूड कोर्ट के बारे में, तो स्पेशल फूड कोर्ट है, हॉकी पैविलियन है, सेल्फी पॉइंट भी है, मतलब और भी बहुत कुछ इवेंट्स हो रही है, जैसे कि ओपन क्विज, ड्राइंग कंपटीशन मतलब स्टूडेंट्स के लिए। तो फेयर में बहुत कुछ चीज़ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ चलते हुए LED स्क्रीन का भी यहाँ पे अरेंजमेंट है, मतलब जो हॉकी चल रहा है उसका लाइव टेलीकास्ट भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। जिन लोग फेयर में है, हॉकी नहीं जा पा रहे हैं, तो यहाँ पे फेयर के देखने के साथ साथ में हॉकी भी देख पाएंगे। बाकी जो फूड कोर्ट की बात है, फूड कोर्ट में उड़िया फूड स्टॉल्स बहुत सारे डिशेस के साथ मतलब स्टेट में जितने भी
मतलब बहुत ही ऑथेंटिकेटिव फूड है वो सब यहाँ पे है। कोरापुट की कॉफ़ी यहाँ पे है, केक, स्वीट्स, बहुत कुछ यहाँ पे है। तो यहाँ पे जैसे कि और एक है मेड ऑफ मिलेट, मतलब अंडर मिलेट मिशन में जो यहाँ चल रहा है अभी, तो यहाँ पे भी मिलेट भी अवेलेबल है, बहुत सारा उसका वैरायटी यहाँ पे है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जर्मन हैंगर जो फेयर के स्पेशल स्टॉल में है। एंड यहाँ पे आपको बता दूँ फेयर की टाइमिंग जो है 11 AM एवरी डे टू कंटिन्यू टिल 9 PM। सो चलिए फिर आगे जाके देखते हैं बाकी क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग आफ्टरनून में आए हुए हैं। आलू चिप्स कितने दूजे? ये खाली पड़ा
এটা রাগুল উনি কটা আছে পয়সা কেটে বেশি রাখো না না বেশি রাখো না রেস্টুর নাম দি বলে এটা 40 লাখ হ্যাঁ 40 লাখ এইটা এটা और मेरे पीछे यहाँ पे जैसे कि सनसेट होने को है और उसी के साथ ही क्राउड भी बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि जैसे कि आज वीकेंड है तो वीकेंड में ज़्यादा थोड़ा लोगों का मतलब आना जाना थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। तो चलिए फिर और थोड़ा देख लेते हैं बाकी क्या कुछ है यहाँ पे। तो मुझे जैसे कि बहुत पसंद है डिफरेंट स्टेट का जो हैंडीक्राफ्ट है उसे देखने के लिए बहुत एक्साइटमेंट रहता है। हैंडलूम भी बहुत मतलब अच्छा लगता है क्योंकि जैसे कि मैं उसी फील्ड से बिलोंग करती हूँ। तो अपनी अपनी चॉइस है तो बस यही सब है। तो चलिए पहले देख लेते हैं और क्या कुछ है। तो ये सिसरा सरसों में और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं तो चलिए करते हैं। चलिए
यहाँ पे जैसे कि ये पूरा सारसों का ये पूरा एग्जीबिशन फील्ड भरा हुआ है। बहुत सारे डिफरेंट ऑफ मतलब स्टेट से जितने भी क्राफ्ट, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट बहुत कुछ आया हुआ है। ये एक टाइम जैसे कि मतलब है कि एक ही जगह में आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। और जैसे कि हम डिफरेंट स्टेट में जाके उनके हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट नहीं देख पाएंगे एक ही साथ में, तो यहाँ पे जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से ये एग्जीबिशन लगता है एंड बहुत ही रिजनेबल प्राइस में भी होता है। एंड फूड का भी अगर बात करें तो फूड भी बहुत वैरायटी का यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे बहुत कुछ मतलब एक ही साथ में आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि बच्चे को मतलब बच्चों को भी यहाँ पे खेलने के लिए भी थोड़ा टाइम मिल रहा है। जैसे कि उनका भी थोड़ा मतलब कुछ वो गाड़ी वगैरह यहाँ पे वो उसका भी अरेंजमेंट हुआ है। और सेफ्टी के लिए अगर देखें एम्बुलेंस वगैरह इसका भी यहाँ पे अरेंजमेंट होके है। तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इवनिंग हो रहा है तो बहुत सारा भीड़ भी मतलब स्टार्ट हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए इसी के साथ ही मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।